नमस्कार बागवान भाइयों, और आज मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक क्वेरीज आ रही थी मुझे काफ़ी टाइम से बागवानों का, कि एक कंफ्यूजन है बागवानों के बीच में कि ये सीडलिंग और रूट स्टॉक ये क्या है, और ये प्लांट्स कौन से होते हैं, और ये क्या चीज़ है। तो आज मैं आप लोगों को रूट स्टॉक के बारे में डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो हमारे बागवानों के बीच ये कन्फ्यूज़न को जो है मैं दूर कर पाऊँ। तो रूट स्टॉक क्या होता है? रूट स्टॉक ये ऐसा पार्ट है प्लांट का, लोअर पार्ट, जहाँ से रूट्स निकलती है, और उसके ऊपर साइड हम जो है कोई भी कल्टीवार या वैरायटी का ग्राफ्ट करते हैं। तो रूट स्टॉक जो हमारे दो तरह के होते हैं, पहला सीडलिंग और दूसरा क्लोनल रूट स्टॉक। और सीडलिंग रूट स्टॉक हमारा सेब के बीज से, सीड से जो हम तैयार करते हैं, जिसको हम अक्सर पाल्टी या पालू के नाम से जानते हैं। और क्लोनल रूट स्टॉक ये होता है प्लांट का किसी ब्रांच से हम जो है नया एक प्लांट तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं क्लोनल रूट स्टॉक। तो हमारा जो क्लोनल रूट स्टॉक है, हमारे पास जैसे MM सीरीज़ हो गया, जिनेवा सीरीज़ है, और एमला सीरीज़, तो इस तरह के जो है रूट स्टॉक हमारे, उसको क्लोनल रूट स्टॉक कहते हैं। तो ये क्लोनल रूट स्टॉक और सीडलिंग रूट स्टॉक पे हम किसी भी तरह के वैरायटी का कल्टीवार का ग्राफ्ट आप कर सकते हैं अपने एलिवेशन के अकॉर्डिंग, अपने बगीचे के अकॉर्डिंग। तो बागवान भाई, आज मैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रूट स्टॉक कितने तरह के और कौन कौन से होते हैं, उसके जो है कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा।